हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज ही हमारे पास एप्पल के लैपटॉप आए हैं रिपेयर के लिए, मैं आपको दिखा देता हूं। ये 1706 मॉडल है। इसमें क्या है, ये आप देखोगे, इसकी स्क्रीन बिल्कुल टूटी हुई है, क्रैक हो रखी है कुछ। ये गिर गया था लैपटॉप, जिस वजह से ये प्रॉब्लम इसमें आई है गिरने की वजह से, तो इसका स्क्रीन चेंज करना है हमें। तो ये दूसरा आप लैपटॉप देखोगे, हमारे पास लैपटॉप दूसरा जो आया हुआ है वो लैपटॉप 1708 है, इसी का अपग्रेड वर्जन है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये आप देखोगे यहाँ पे काले काले बादल बने हुए हैं, ये इसमें ब्लैक स्पॉट्स आए हुए हैं और इसमें स्क्रीन भी, ये भी प्रेशर की वजह से खराब हुई है। वैसे कहीं से आपको फिजिकल नजर नहीं आएगी, पर इसमें जो ये बादल टाइप बना हुआ है, लाइट कहीं ज्यादा है कहीं कम है, ये भी एक प्रेशर की वजह से ही हुआ है। कुछ इसमें प्रेशर आ गया था, हमें बंदे ने बताया कि वो बहुत भारी बैग ले रखा था, कि हवाई जहाज में आ रहा था, उसको रख के उसने जैसे ऊपर रख देते हैं सामान के, उसमें रखा हुआ था, तो वहाँ पे कुछ उसमें क्या हुआ है क्या नहीं वो नहीं बता पाएंगे, पर ये है प्रेशर में था। कैसे हुआ है ये सब प्रेशर की वजह से होता है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। हम आपको एक सलाह और देना चाहते हैं कि लैपटॉप बहुत ही महंगे आते हैं और आप इसको किसी ऐसे वैसे लोकल सर्विस सेंटर पर मत दिखाओ, क्योंकि ये आपके लैपटॉप को और ज़्यादा ख़राब कर सकते हैं। तो उससे पहले हम आपको बता देते हैं एप्पल लैपटॉप के बारे में, एप्पल लैपटॉप कैसे होते हैं। एप्पल लैपटॉप नो डाउट बहुत अच्छे लैपटॉप होते हैं, यदि आप उन्हें केयरिंग से यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छे से लैपटॉप चलते हैं, परफॉर्मेंस वाइज भी अच्छे होते हैं और आपका ड्यूरेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है, लाइफ भी बहुत अच्छी होती है इनकी। हमने जो चीज़ ऑब्जर्व की है अपने 10 साल के करियर में, इनमें जो हमने ऑब्जर्व किया है, जो एक्सपीरियंस किया है, एप्पल का लैपटॉप चलते हुए रनिंग में बहुत ही कम चांस होता है कि खराब हो जाए, जैसे शॉर्ट हो जाए या नो डिस्प्ले हो जाए, इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत ही कम आती है। मदरबोर्ड बहुत ही कम खराब होते हैं एप्पल के लैपटॉप के। एप्पल के लैपटॉप मोस्टली फिजिकली खराब होते हैं, जैसे कि हमारा स्क्रीन टूट गया। स्क्रीन क्यों, कैसे टूटा, स्क्रीन कोई प्रेशर आ गया या गिर गया किसी, इस टाइप की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। बोर्ड में जो हमारी प्रॉब्लम आती है वो 90% हमने अपने उसमें आज तक के जो लैपटॉप का ध्यान दिया है तो वो ये दिया है कि हमारी लिक्विड डैमेज की वजह से, कि पानी रखा था, दूध रखा था, जूस रखा था, वो गिर गया, ऐसे हो गया, बारिश के पानी में चला गया, बैग में रखा था, तो इस टाइप की प्रॉब्लम हमने मोस्टली एप्पल के लैपटॉप के मदरबोर्ड में रिपेयरिंग के टाइम पे ये चीज़ हमने ऑब्जर्व की है। तो वैसे कि आपने यूज कर रहे हैं, यूज करते करते मशीन बंद होगी, इस टाइप की बहुत ही कम प्रॉब्लम आई है एप्पल लैपटॉप में, बहुत ही कम। 10% केस ऐसे आते हैं कि मशीन वैसे खराब हो जाए। इसके बोर्ड की जो ड्यूरेबिलिटी होती है, जो इसकी लाइफ होती है बोर्ड की, जो कंपोनेंट का होता है, जो इसकी बिल्ड क्वालिटी होती है मदरबोर्ड की, बहुत अच्छी होती है। अब हम बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस वाइज इसमें जो मदरबोर्ड में जो इसका प्रोसेसर होता है, बहुत ही हाई स्पीड प्रोसेसर इसमें लगा होता है नॉर्मल के मुकाबले, यदि हम कंपेयर करें। ग्राफिक के इसकी यदि हम बात करें तो ग्राफिक में भी इसके ग्राफिक जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे ग्राफिक होते हैं। अदरवाइज हम दूसरे फोन लैपटॉप के अकॉर्डिंग, यानी जो हमने 4GB का भी ग्राफिक लगा हुआ कोई लैपटॉप, गेमिंग लैपटॉप से हम इसकी तुलना करते हैं तो इसके ग्राफिक बहुत ही अच्छे होते हैं, इसके पिक्सल क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और डिस्प्ले में भी आप देखोगे, ये इसकी डिस्प्ले का वगैरह का ये आप देखो, बिल्कुल इसकी डिस्प्ले जो होती है रेटिना डिस्प्ले होती है, क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है डिस्प्ले की। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं एप्पल लैपटॉप की, यदि हम बात करें तो बहुत ही अच्छा लैपटॉप होता है, यूज करने में भी अच्छा होता है, थोड़ा कॉस्टली तो ज़्यादा होता है पर ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं इसकी कि हम इसमें कैसे हम इसका रख रखाव कर सकते हैं, कैसे हम इन चीज़ों से बच सकते हैं कि हमारी स्क्रीन खराब ना हो, हमारा मदरबोर्ड खराब ना हो। जैसे कि आप ये देखो, हमें ये टूट रखी है स्क्रीन, ये गिर गया था लैपटॉप, बेड पे काम करते हुए बंदे ने छोड़ दिया, रात को सो गया काम करते करते, तो उसका ये लैपटॉप सुबह उसने देखा तो नीचे गिरा हुआ था, तो ये टूट गया है इसका स्क्रीन। इस टाइप की चीज़ों से आपको बचना होगा, इनको काम करके आपको बैग में पैक करके रखना, पानी के पास ना रख के यूज करना, इस टाइप की बहुत चीज़ों से आपको इसको बचना होगा। तो हम यदि इनको केयर से यूज करें तो हमारी इन मशीनों में इतनी जल्दी दिक्कत नहीं आती है। तो हम बात कर रहे थे कि अपने विषय पर आते हुए कि हम इसमें क्या प्रॉब्लम, ये इसकी स्क्रीन टूटी हुई है, ये 1706 मॉडल है, इसकी स्क्रीन कितने की आती है। स्क्रीन की यदि हम बात करें, इसमें ये ग्लास वाली स्क्रीन होती है, स्क्रीन इसकी चेंज नहीं होती है, इसका पूरा फोल्डर चेंज होता है, पूरा फोल्डर चेंज होता है, तो इसका पूरा ये हमारा ये पूरा ऊपर का हिस्सा चेंज हो जाएगा। रेट भी हम आपको अच्छे दे देंगे। यदि आपके पास है इस प्रकार का कोई भी लैपटॉप जिसमें स्क्रीन की प्रॉब्लम होंगे, एप्पल लैपटॉप बहुत अच्छे लैपटॉप है, यूज करने में भी, परफॉर्मेंस वाइज भी और ड्यूरेबिलिटी, लाइफ यदि की हम बात करें तो बहुत अच्छी होती है।
आपको यदि चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है। यदि कुछ आपको रिक्वायरमेंट है, आपके कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है, तो आप सूरज कंप्यूटर्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।